ये क्या कर लेकिन ये वाला मूवी बहुत अच्छा है, इसमें सब लीवर, गॉल ब्लैडर सब काट काट के बंदूक के कमरे का। अरे ये भी देख रहा है, अभी तो होगा पंगा यार, रुको। कौन से म्यूजिक पे दौड़ते हो तुम लोग? क्या बात है। गुड मॉर्निंग, ये है हमारा ग्रुप, पीछे देखो फौज तैयार हो रहा है। हेलो सी, ऐसी सुबह और कहाँ हो सकती है यार। अभी कहाँ गई हूँ, अब जाऊंगी। आज लेट हो गए। नहीं नहीं नहीं, उसको लेकर तो दौड़ ही नहीं पाऊंगी। खाली ब्लूटूथ कनेक्ट करना पड़ेगा। मेरे पास नहीं होगा, इसमें नेटवर्क ही नहीं होता। नहीं नहीं, नेटवर्क की जरूरत नहीं। ओके, मुझे नहीं आएगा। चलो थैंक यू, बाय। ठीक चल रहा है सब कुछ, लेकिन थोड़ा प्रेशर तो होता ही है, हर चीज़ देखना पड़ता है ना, पढ़ाई भी साथ में स्टूडेंट लाइफ भी, और सारे स्टूडेंट्स को लेकर चलना पड़ता है, कोई आगे है कोई पीछे है, किसी की कुछ समस्या है किसी की कुछ, तो ये सब मुझे लगता है हर स्टेज पर आता है लाइफ में, हम किसी भी एज में चले जाएँ, मैनेज करना, बैलेंस करना, एक दूसरे को समझते हुए आगे बढ़ना, ये सब भी एक पार्ट है हमारे लाइफ का, और स्टूडेंट लाइफ में तो खास करके, क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना है, हमें किसी को पीछे भी नहीं छोड़ना, और हम सबको अच्छा करने की इच्छा है, तो ये सारी चीज़ें मैं नई यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रही हूँ। जब मैं स्कूल या कॉलेज में थी तब मुझे ये सब नहीं समझ में आता था, बिकॉज मैं बहुत ही कमज़ोर बच्ची थी पढ़ाई में, और जो बच्चे थोड़े वीक होते हैं वो बड़े चुप होते हैं, पीछे होते हैं, वो आगे नहीं निकल कर आते कि वो कुछ बोलने के हकदार भी हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो कैसे बोले। मैं अपनी बात कर रही हूँ कि सच में मैं पूरे स्कूल में चुप रही हूँ, शांत, सिर्फ डिसिप्लिन फॉलो किया है, जो मेरी कमज़ोरी थी उसको मैं डिसिप्लिन से हाइड करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आई हैव चेंज अ लॉट, बहुत बहुत चेंज हुई और बहुत मेहनत किया है, और वो मेहनत तब नहीं कर पाई क्योंकि कोई गाइडेंस नहीं थी, कुछ अनुभव नहीं था, लेकिन जीवन के अनुभव से मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया है, खुद की गाइड खुद बनी हूँ, और ऑफ कोर्स इंडियन साइकोलॉजी जो मैं पढ़ रही हूँ वो मेरे कैरेक्टर को बनाने में, मेरे नेचर को बनाने में, मेरी पूरी पर्सनैलिटी बनाने में बहुत बड़ा बेस बना है, तो अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। चलो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद मिलते हैं, क्योंकि दिन वैसे ही हेक्टिक जाने वाला है, और कुछ कुछ नई बातें भी करेंगे। तो पब्लिक नाश्ते पे टूट पड़ी है, और मैं हूँ थोड़ी लेट नहीं हूँ, मैंने आज बहुत सारे काम निपटाए हैं, कमरा ठीक करके आई हूँ, अदरवाइज हमेशा ना थोड़ा बैलेंस रहता है काम। 10 बजे का रिपोर्टिंग टाइम, 9:20 को ब्रेकफास्ट, नॉट बैड नॉट बैड। তুমি যেগুলো নাওছো মানে তার দিন। থ্যাংক ইউ।
वॉल्स का बना थेपला। दीदी सिर्फ आटा है या बेसन है? आटा बहुत स्वाद है। लौकी भी? लौकी हो गया जी। आज एक और क्लास, बड़ा मजा आया, बहुत बहुत मजा आया, क्योंकि आज हमने कुछ नया सीखा, कुछ नया देखा। अब जा रहे हैं थोड़ा गांव की तरफ। चले क्या गांव की तरफ? चले, लेकिन लेट हो जाएंगे और रोशनी नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगा आने में ना। चलो देखते हैं किधर जाएंगे, थोड़ा टहलेंगे, थोड़ा लड्डू खाएंगे और देखते हैं क्या प्लान। वर्क कर रहे थे, अचानक बारिश आने लगी, थोड़ी थोड़ी बूंदा बूंदी हुई, हम ऐसे डर गए, भागो भागो भागो, कहीं बारिश हो गई तो इधर उधर कहीं कुछ जानवर वाना निकले। तो खैर वॉक कर लिया, अब जाएंगे खाना खाने। और आज थोड़ा अड्डा लगाने का मन है यार, जब से आए हैं ना सिर्फ हम लोग नए नए में क्या होता है, जोश रहता है ना, ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले। हैं उसने 5 पॉइंट एक्स्ट्रा याद कर लिए, मुझे तो 2 ही याद है। तो इस चक्कर में हम लोग बैठे ही नहीं कभी चिल मारते हुए, तो आज थोड़ा सा बैठेंगे। एक दिन हमने बस स्प्राउट्स बनाकर खाया था और उसमें भी हम पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे। तो आज मैंने सोचा है कि आज हम बैठेंगे, पर शर्त ये होगा कि सब अपनी अपनी बातें करेंगे। हम लोग एक दूसरे को अभी बहुत अच्छे से नहीं जानते, थोड़ा थोड़ा पता है इतना ही। तो चलो आज थोड़ा जान पहचान और बढ़ाते हैं, ज़रूरी होता है यार। आप कहीं पढ़ने गए हो और सिर्फ वहाँ से पढ़ कर निकल जाओ और लोगों से कनेक्ट ही ना करो, तो बाद में लगता है कि अरे यार जिया ही नहीं, मस्ती नहीं की, लोगों को जाना ही नहीं, आजू बाजू में कौन रहता था उसके बारे में तो कुछ भी नहीं समझ पाई मैं। तो आज वो प्लान है। तो खाना खाए पहले, भूख यहाँ पे इतनी भूख लगती है ना। हमारे साथ एक प्रियेश नाम है उसका, प्रिय फुटबॉलर है, फुटबॉल खेलना उसको बहुत पसंद है। वो कह रहा है मेरे को ना इतना भूख कभी नहीं लगा जितना अभी मैं खाता है। वो बहुत क्यूट है बच्चा। तो चलो खाना खाते हैं, सबसे पहले हम ही दोनों खाना पे अटैक करते हैं, रिचुअल है ये। हमारी मौसी को देखो, अकेले बैठ कर टीवी देख रही है, क्या चल रहा है मालूम नहीं। अब देखो बेचारी अब उठ गई, हम लोग आए नहीं कि वो खड़ी हो जाती हैं यार। मैं अक्सर इसी टाइम पे देखती हूँ वो और टीवी, और टीवी पे कोई चैनल नहीं लगा होता है, जो चल रहा होता है वही वो देख रही होती है। और जरा पूछती हूँ क्या देख रही है। नाचने की रोटी, गेहूं की रोटी, रोटी दाल भरता अच्छा लगे। मैंने नाचने का रोटी भी खाया, नाचने की रोटी भी खाई, तो अब मैं गेहूं खाऊंगी। दो रोटी बहुत अच्छा है। आप खाना बनाते हो घर पे? बनाते हो? 25 साल शादी के बाद कोई भी खाना बना सकता है। हाँ सच में वो भी बात है। अरे आज पहली बार मौसी खाना खाई है हमारे साथ यार। मैं तो मौसी खिलाती हूँ सबको, सबसे लास्ट में खाती है और इतने छोटे से प्लेट में, उसी में उनका हो जाता है। ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ पढ़ाई वढ़ाई छोड़ कर के दोनों रजाई मार के इधर फिल्म लगा कर देख रहे हो? थिएटर, थिएटर बना हुआ है, नमकीन वमकीन ये जरा देख लीजिए, यही है वो दो पापी जो बहुत तेज है पढ़ने में, हम लोगों को नहीं पढ़ाया ये कह करके कि आज हम लोग थक, तुम लोग थके हुए थे ना? नहीं ऐसा बोल रहा,
तो तुम लोग आज हम जब खाने के लिए साथ में बुलाए तुम लोग नहीं आए, यही मूवी चल रही है। यही, और फिर मैंने कहा कि ऊपर आओ बैठ कर थोड़ा सा बैठते हैं, तब भी तुम लोग नीचे, तब नीचे मूवी चल रही थी। फिल्म देखने के चक्कर में हम जैसे कमजोर बच्चों को ऐसा कुछ नहीं, कल मीटिंग कंफर्म। ये तुम तेज हो, इसका मतलब ये सब करोगे आगे? ये जरा देखो, इधर देख रहे हो दोनों रजाई लेकर? तो उल्टी जैकेट पहन ली है। सुनो, उल्टी सीधी तो ठीक है, पर ये सबसे स्मार्ट है प्रियेश, इसको सब आता है, इसलिए बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाता है हम लोगों को। तुम फुल ऑन आज तुमने दोनों सर और मैडम को ट्रीटमेंट दिया? सर को दिया, मैम को कल और पर दिया ना, क्योंकि तुम परफेक्ट कर रहे हो इसलिए तुम दोनों को दिया, मेरे को एक को भी देने को नहीं मिला। मुझे दिया ना। देखो मैं बात कर रही हूँ सर और मैं, अच्छा हाँ तुम भी तो सर हो, कर कर मेरा ट्रीटमेंट कैसा था सर? सर अच्छा, हाँ महेंद्र मेरा ट्रीटमेंट कैसा था? बहुत अच्छा। अच्छा था सच्ची में? पास कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं फेल होने को तैयार हूँ, मुझे अभी नहीं जाना। तो बड़े प्यारे लग रहे थे, है ना? अरे आपने देखा नहीं, और मैंने भी गलती से ना सेल्फी मोड पे डाला हुआ था, दोनों रजाई में घुसे हुए थे। सही है, सही है। अब मैं देख रहा कि बंधु क्या कर रहा है, रुको उसको कैसे सोने दूं। वो कौन सी मूवी चल रही है, कौन सी फिल्म है, कौन सी? चुप जो नीचे चल रही थी, नहीं यही तो बोल रहा था ना। बंधु के कमरे का, अरे ये भी देख रहा है, ओ माय गॉड, ये भी फिल्म देख रहा है। देखो देखो देखो, ज्योति सब हम लोगों को झूठ बोलते हैं कि हम सोने जा रहे हो, सब देख रहे होते। कोई बंद नहीं होगा, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। नहीं सोने दूंगी, कोई सो नहीं रहा है, सब मजा ले रहे हैं। ये देख रहे हो, ये हम दो लड़कियां, मैं और ज्योति, बिचारे, ज्यादा हाई मत करो, हम लोग बिचारे हैं भाई को, और देखो ये लोग फन कर रहे हैं और हम लोगों को झूठ बोला यार। हम भी कुर्सी लेके आए बैठी है, बीच फिल्म में देखेंगे। तुम लोगों ने शुरू से क्यों नहीं बुलाया हम लोगों को? अभी दूसरी बीच से स्टार्ट किया, बहुत सारी नहीं चलेगा ज्योति, हम लोग को झगड़ा करना है। ये तो प्रॉब्लम वाली फाइट करते हैं। हाँ, हॉस्टल फाइट, बॉयज और गर्ल्स की। जरा संजय का दरवाजा खुलवाओ, वो तो फिर इन्हीं का ही साथ लेगा, इनसे तो फिर नहीं पटेगा। तो वो कौन सी देख रहा है, देखे ना वो क्या देख रहा है। अभी तो होगा पंगा यार, रुको। ये थिएटर का नजारा देख रहे हो आप लोग? कंबल ओढ़ कर, कितने क्यूट लग रहे हैं दोनों। हल्की सी हवा है आज, कंबल ठीक है। नहीं लेकिन ये वाला मूवी बहुत अच्छा है, इसमें सब लीवर, गॉल ब्लैडर सब काट काट के वही में दिखा रहा था, देख कैसे काटा है उसने। अरे टॉमी पढ़ा रहा था तू? टॉमी पढ़ा रहा था। अभी अगला आएगा वो किडनी होगा। ओह माय गॉड, इसलिए क्या है, ये मर्डर हो रहे तो सब एक लीवर काट रहा है, एक गॉल ब्लैडर काट रहा है, अभी आगे वाला जो मर्डर होने वाला है उसमें किडनी काटेंगे, तो वही दिखा रहा था। हम किडनी नहीं बोलेंगे, हाँ। लीवर ओ एंड यू ओ बोलेंगे। हाँ, वो तो है लेकिन वही कैसे रहते वो तो दिखाना चाहिए। अरे यार फिर तो ये फिल्म मैं बिल्कुल नहीं देख सकती हूँ। सरों के पर्सनल नंबर्स आपको दिए जाएंगे आपकी सिक्योरिटी के। मैं तो कहता हूँ यार ये रिव्यू सिस्टम को ही खत्म करो। उसके पास रखा, बाकी सब फंक्शन है ना, लीवर सब जगह ऐसा ग्राउंड पर डाल दिया बेटा। कल अगर डॉक्टर साहब ने पूछा ना एनाटॉमी, तो यही सारा बताना तुम चिथड़ी उड़ाते हुए छुप जाते। मेरे को महेंद्र ने सिखाया। ये जरूर बोलना ठीक है। चलो गुड नाइट, एंजॉय करो, गुड नाइट, चले गुड नाइट। तो ये चल रहा है यहाँ पे, दिख रहा है आपको, चार लोगों में ही बवाल मचा हुआ है और सब रजाई में घुस के ये कांड कर रहे हैं। एक हम ही है जो यहाँ पे, बताओ, स्टडी टेबल पे बैठे हुए अकेले। ये बंधु, मैं वहां गई
एपिसोड एडिट हुआ था तो देखने के लिए, पर देखा वो, मैं जैसे ही नॉक नॉक किया ना कि मैं एपिसोड देखूं, मुझे नींद आ रही है ये, मैंने कहा थोड़ा देख लेती हूँ, थोड़ा सा, थोड़ा देखा, उसके बीच में उसने चार उपासी लिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा सुनो संजय तुम सो जाओ, मैं कल देख लेती हूँ, लैपटॉप बंद किया और मैं आ गई। और अभी देख रही हूँ भाई साहब रजाई में एकदम सुमड़ी में लेट करके हाँ वो फिल्म देख रहा, और वो तो मोबाइल का लाइट था जिससे मुझे पता चला कि वो भी फिल्म देख रहा है अंदर, ये भी फिल्म देख रहे हैं अंदर, और मैं यहाँ फिल्म बना रही हूँ। ऐसे होते हैं ना स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट लाइफ में ये लड़के लड़कियों वाला जो डिफरेंसेस होता है ना, ये बड़ा ही अजीब मामला है, बताओ। चलो अपन तेल लगाएंगे और अपन कल मिलेंगे, आज के लिए बस इतना ही। राम राम, जय भारत, शब्बा खैर। देख रहे हैं लड़के और लड़कियों में कैसा भेदभाव करते हैं ये लड़के, लड़के कहीं के, आज तो बोतल खुलेगी, बोतल सरसो तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल। मैं अभी भी याद करी तो मुझे हंसी आ रही है, ये लोग कैसे सुमड़ी में फिल्म देख रहे हैं यार, बस हम लड़कियों से पीछा छुड़ाने के लिए इन सब ने नींद का बहाना किया था। ओ गॉड, सिर्फ दो हम हैं और हमें ऐसे छाट रखा है कमबख्तों ने। हर जगह होता है क्या ये, बताना जरा, लिखना हाँ, बताना कि लड़के लड़कियों की गैंग चलती है क्या, आप लोगों ने फेस किया है यार, लड़के लड़कियों को तो मिलकर रहना चाहिए ना।